हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स साइड डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 5 अप्रैल, सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ देखिए, पैरल टू प्रोब सीबीएसई क्वेश्चन लीक्स। तो सीबीएसई क्वेश्चन जो पेपर लीक हुआ था उसको उसकी जांच के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई हुई और ये कमेटी इसकी जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 मई तक सौंपेगी। राइट, तो ये सारे मेंबर्स के डिटेल है, ये हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए थे, राइट, और उनसे सुप्रीम कोर्ट से री एग्जामिनेशन कराने की डिमांड कर रहे थे, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मना कर दिया है। अगली न्यूज़ देखिए, मानसून लाइकली टू बी नॉर्मल। ठीक है, तो ये हालांकि एक प्राइवेट फोरकास्टर हैं, इन्होंने कहा है कि इस बार ड्राट की जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी और ना मानसून जो रहेगा इस बार मोर और लेस नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 2018 इज़ लाइकली टू रिमेन नॉर्मल 100% विद इन अ मॉडल एरर मार्जिन ±5%। राइट, तो इन्होंने कहा कि अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें तो 887 mm जो है ये 4 मंथ पीरियड यानी जून टू सितंबर तक इतनी बारिश होने की आशंका है, अनुमान है। राइट, तो देखिए जो ऑफिशियल जो IMD जब इसको फोरकास्ट करती है तो वो मेन माना जाता है, तो ये तो खैर एक प्राइवेट फोरकास्टर का है। राइट, तो IMD का इस महीने के लास्ट में आएगा फोरकास्टिंग। राइट, तो देखते हैं, वैसे उम्मीद तो ये जता रहे हैं कि इस बार नॉर्मल होगा। राइट, और अगली न्यूज़ देखिए, देखिए फिर जैसा US ने चाइना पे इम्पोज किए थे टैरिफ्स और ड्यूटीज़, उसी तरीके से अब चाइना ने भी US के काफ़ी गुड्स पे फिर से फ्रेश टैरिफ्स लगा दिए। राइट, तो एक तरीके से ये ट्रेड वार चल रहा है दोनों लोगों के बीच में। राइट, तो देखिए जिन आइटम पे लगाया गया है चाइना के द्वारा उनमें है कार्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल्स एंड सोयाबीन्स। राइट, तो इन्होंने कहा है कि 106 जो US के प्रोडक्ट्स हैं उन पर 25% टैरिफ लगाई दी गई है और ये एक रिटेलिएशन है, एक बदला लेने की कार्रवाई आप कह सकते हैं इसको। राइट, तो ये दोनों लोगों के बीच चल रहा है। ये देखिए, US ने मार्च 1 को लगाया था, US प्रपोजेस इम्पोजिंग 25% एंड 10% टैरिफ अपॉन स्टील एंड एल्यूमिनियम। राइट, उसके बाद अप्रैल 2 को फिर बीजिंग ने देखिए लगा दिया इन पे ड्यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद अप्रैल 3 को US ने एक इन पे ड्यूटी लगा दी कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयरक्राफ्ट पे। फिर चाइना ने 106 US प्रोडक्ट्स पे लगा दी। राइट, तो टिट फॉर टैट चल रहा है, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं और ट्रेड की प्रोटेक्शन सब जो पॉलिसी है उसको एक अपनाया जा रहा है। राइट, तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, NGT ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से एक फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है। राइट, और उन्होंने डायरेक्ट किया है कि एयर पोल्यूशन पे आप एक्शन प्लान तैयार कीजिए। राइट, और डाटा के साथ 2 वीक के अंदर इसको प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो NGT ने वेडनेसडे को डायरेक्ट किया है इन 4 स्टेट्स को टू सबमिट डाटा ऑन एम्बिएंट एयर क्वालिटी विद इन 2 वीक्स। राइट, तो ये है ड्यूज एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। राइट, और यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, बढ़ते आगे। ये देखिए, एक यूनिक मामला आया केरला गवर्नर का। तो केरला गवर्नर ने हाई कोर्ट के आर्डर को क्वेश्चन किया। राइट, और उन्होंने कहा कि ये एंक्रोचमेंट है उनके पावर का। ठीक है, मामला देखिए क्या है कि केरला गवर्नमेंट ने इनको जब फाइल पेश की, ये फाइल रिलेटेड थी 739 जो कन्विक्ट्स हैं इनके रिमिशन से रिलेटेड। राइट, तो केरला गवर्नमेंट वेडनेसडे को इन्फॉर्म करती हाई कोर्ट को कि जो इन्होंने ऑर्डर दिया था रिमिशन का 739 कन्विक्ट्स का, उस फाइल को गवर्नर पी सत्शिवम ने रिटर्न कर दिया है। राइट, और उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट ने इसमें चूँकि ये आर्टिकल 161 जो है उसमें गवर्नर को अधिकार होता है ये कन्विक्टेड को रिविजन करने का। राइट, तो ये मेरा पावर है और इस पावर का जो है मिसयूज़ हुआ है। राइट, और इसमें हाई कोर्ट ने इसका एंक्रोचमेंट किया है।
तो हमारे लिए देखिए एक रिविजन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आर्टिकल 161 यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो देखिए आर्टिकल 161 कहता है, ये पावर प्रोवाइड करता है गवर्नर को टू ग्रांट पार्डन्स, राइट। और पार्डन्स में देखिए क्या कि ये किन किन सजाओं को माफ़ कर सकते हैं, तो पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड, ठीक है, तो जो सज़ा है उसको सस्पेंड कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, रिमिट कर सकता है, राइट, कम्यूट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे पावर है, राइट। द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव, रिस्पाइट और रिविशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, ठीक है। तो ये है पावर गवर्नर का, जिसमें वो किसी कन्विक्ट को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है, राइट, ग्रांट पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है पनिशमेंट का, ठीक है। तो ये सारे पावर है आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को। तो आइए समझ लेते हैं ये जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं इसके क्या क्या मायने हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहले पार्डन, फिर रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूटेशन। तो देखिए पार्डन भी होता है कि एक तरीके से आपकी जो पनिशमेंट है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब आपको आप ऐसा मतलब आपको ट्रीट किया जा रहा है कि आपने कोई क्राइम कमिट ही नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द कन्विक्ट विल नॉट फेस एनी डिसेबिलिटीज ड्यू टू एलिगेशन एंड चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम, ठीक है। एक तरीके से पूरी सज़ा आपकी माफ़ हो गई। रिविशन मीन्स क्या होता है कि आपकी सज़ा को क्या, आपकी सज़ा को कम कर दिया जाता है, राइट। रिविशन मीन्स रिड्यूसिंग द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 ईयर्स में भी रिड्यूस टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो समझ आया क्या हुआ, रिमिशन में क्या हुआ, आपकी सज़ा जो 20 साल थी उसको अगर 10 साल कर दिया गया तो वो क्या हो गया, रिमिशन हो गया। और इस केस में जो हमने जो केस डिस्कस किया है उसमें रिमिशन का ही वो केस था, राइट, ठीक है ना। तो इसमें नेचर चेंज नहीं होता है, पीरियड कम हो जाता है, राइट। और देखिए कम्यूटेशन की बात करें तो कम्यूटेशन का मतलब होता है इसमें नेचर चेंज हो जाता है, राइट। तो मतलब जैसे अगर आपको फांसी की सज़ा थी और उसको अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, कम्यूटेशन हो गया। रिस्पाइट का मतलब होता है रिड्यूसिंग और चार्जिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट इन द व्यू ऑफ द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कन्विक्ट, राइट। अगर मान लीजिए कोई आपको दिक्कत है, जैसे मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, राइट, तो उनकी सज़ा को अगर माफ़ कर दिया जाए या सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो होता है आपका क्या होता है, रिस्पाइट, ठीक है। रिस्पाइट मीन्स डिले, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट, राइट, स्पेशली दैट ऑफ डेथ। तो ये सारे जो प्रोविज़न है, तो अभी हमने डिस्कस किया 161 में गवर्नर को ही पावर है, लेकिन ये जो पावर है पार्डन करने का और रिविशन करने का, ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब है आर्टिकल 72 में, और ये पावर किसको है, प्रेसिडेंट को है, राइट। तो याद रखिएगा 161 जो है वो पार्डन का अधिकार गवर्नर को देता है, और 72 जो आर्टिकल है वो पार्डन का अधिकार किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, देखते हैं आगे कौन सी न्यूज़ है। और देखिए ओखी जो तूफान आया था, साइक्लोन आया था, उसमें 240 फिशरमैन मिसिंग थे, तो अभी भी ये मिसिंग है, राइट, और उम्मीद भी अब नहीं है कि इनके कि ये वापस अब लौट के आएंगे। और ये है नो फ्रेश केस ऑफ वायलेंस इन राजस्थान, कांग्रेस लीडर ज्वाइन बीजेडी, राइट। देखिए अगली न्यूज़ ये है, थोड़ी सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो हो सकती है, ये है कि इंडिया जो है हमारी वो मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है साइबर थ्रेट के लिए आफ्टर यूएस एंड जापान, राइट, यानी कि थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है साइबर थ्रेट के लिए इंडिया, राइट। तो मतलब इंडिया में भी काफ़ी साइबर थ्रेट के चांसेस है, मालवेयर, स्पैम, रैनसमवेयर, राइट। अभी 2017 में एक जो अटैक आया था रैनसमवेयर, उसका भी इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला था। तो अब इस रिपोर्ट से देखिए हम कर ये सकते हैं कि एक रोबस्ट सिस्टम तैयार करें इसको टैकल करने के लिए, राइट, इस चैलेंज को फेस करने के लिए। और उसके अलावा क्या हम कर तो यही सकते हैं कि एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करें इसके लिए, ताकि साइबर क्राइम्स को डील किया जा सके, राइट। और देखिए इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो इलेक्शन होता है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट जो होता है वो दो जगह से, दो सीटों से इलेक्शन लड़ता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने इस बात को कहा है कि
ये चाहते हैं कि अब वन सीट और वन कैंडिडेट पॉलिसी अपनाई जाए, यानी कि एक बंदा एक कैंडिडेट वो एक ही जगह से इलेक्शन लड़े, राइट। क्योंकि देखिए काफ़ी दिक्कत आती है, एक तो अगर दोनों जगहों से वो जीत जाता है तो दोनों जगह एक 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 जगह की सीट उसको छोड़नी पड़ती है, राइट। तो फिर दूसरी जगह उसमें इलेक्शन वगैरह रहना पड़ता है तो उसका एक अलग खर्चा आता है, राइट। तो और दूसरी बात यह है कि जो बंदा जीतता है तो फिर अगला जब इलेक्शन होता है तो वो किसी और को सपोर्ट करता है, राइट। और अक्सर देखने में आता है कि वही पार्टी फिर से, तो ये सारे काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें इश्यूज़ हैं। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और वडोदरा से दो जगहों से इलेक्शन लड़ा था, राइट। अब बाद में उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी थी, बनारस वाली सीट उन्होंने रखी है अपने पास, तो फिर से वहाँ पर वडोदरा में इलेक्शन हुए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से काफ़ी केसेस होते हैं, लोग दो जगहों से इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। मुलायम सिंह ने भी दो जगहों से इलेक्शन लड़ा था, तो इसी तरीके से ये होता है। तो लेकिन अब ये चाहते हैं कि वन सीट वन कैंडिडेट पॉलिसी हो, यानी कि एक बंदा एक ही जगह से इलेक्शन लड़ पाए, राइट। और ये एडिटोरियल है, इसको स्किप करते हुए बढ़ते आगे। और ये देखिए पीएम ने कहा है कि लेट्स वॉक ऑन द पाथ शोन बाई द अम्बेडकर, राइट। और इन्होंने देखिए इनाग्रेशन किया है एक वेस्टर्न कोर्ट में एनेक्स का, राइट। तो उसमें ये सब बातें इन्होंने की है। और देखिए आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो एक डायरेक्शन आया था मीडिया से रिलेटेड, तो उसको एडिटर गिल्ड्स ने काफ़ी उस पर नाराज़गी जाहिर की है, राइट। और उन्होंने कहा कि एक तरीके से आर्बिट्रेटरी एक स्टेप था और जिसमें एक जर्नलिस्ट को पेनलाइज किए जाने की बात कर की जा रही थी, ठीक है। और उनके एक्रेडिशन को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, राइट। उनका लाइसेंस जो है, उनका एक्रेडिशन जो होता है उसको सस्पेंड किए जाने की सारे प्रोविज़न थे उसमें। तो खैर ये तो वापस ले लिया गया था, पीएम ने इंटरवीन किया था उसमें। और ये देखिए थर्ड ऑफ फर्म डिफॉल्ट ऑन इजी सीएसआईआर लोड, राइट। तो जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, राइट, तो इनके भी लोड जो है ये कह रहे हैं कि तीन कंपनी, इनके वन थर्ड जो कंपनियां हैं यानी कि 45 कंपनियों ने जो इसमें लोन लिए थे उन लोगों ने डिफॉल्ट किया है, राइट। तो ये जो लोन दिए गए थे स्कीम के तहत दिए गए थे 2001 से, राइट। तो दे वर अवार्डेड एज ए पार्ट ऑफ एन आरगोइंग स्कीम सिंस 2001, ठीक है। तो उन लोगों ने भी इन सारे में से जो वन थर्ड है यानी कि 1/3 कंपनियों ने इस जो लोन लिए थे सीएसआईआर से उसको डिफॉल्ट किया, राइट। और ये देखिए ओली, मिस्टर ओली जो है नेपाल के पीएम जो है ये विजिट करने वाले हैं, राइट, इंडिया को। तो उसके बारे में है कि ओलीज विजिट विल चार्ट द कोर्स ऑफ द फ्यूचर टाइज, राइट। और चंद्रबाबू नायडू का इंटरव्यू है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू ने केजरीवाल से मुलाकात की है, नो ट्रस्ट मोशन पे इनका साथ मांगा है, राइट। इसके अलावा इंडिया जापान यूएस की देखिए ट्राईलेटरल डिप्लोमेट्स की टॉक हुई, ठीक है। तो 9th ट्राईलेटरल मीटिंग यहाँ पे वेडनेसडे में को ये हेल्ड हुई दिल्ली में, ठीक है। मुद्दा क्या था, कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म एंड अदर रीजनल एंड ग्लोबल इशूज ऑफ कॉमन कंसर्न, ठीक है। और देखिए पार्लियामेंट में स्टेलमेट अभी भी चल रहा है, पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं चल पा रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट अपोजिशन क्लैश ओवर टेक्नोलिटीज ऑफ द पासेज ऑफ एंटी ग्राफ्ट बिल, इन दोनों लोगों के बीच ये सारे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यही सब वहाँ पे चल रहा है। और ये देखिए 3 इंजर्ड इन यूट्यूब हेडक्वार्टर शूटिंग, यूट्यूब के हेडक्वार्टर पे शूटिंग हुई और 3 उसमें इंजर्ड हुए। और रानिल विक्रमसिंघे पे देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और इन्होंने फाइनली नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत लिया है, मतलब इनकी सरकार अब बच जाएगी, राइट। नो कॉन्फिडेंस मोशन विन कर लिया है इन्होंने। इसराइल अरेस्ट 10 गाजन ओवर अटैक प्लान, तो इसराइल में फिर से इसराइल और फिलिस्तीन का ही जो मसला है फिर से एक बार थोड़ा सा सुर्खियों में, फिर से वहाँ पे वायलेंस वगैरह शुरू हो गए। और ये देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इंडिया ने जापान को पिछड़ करके अब सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया है क्रूड स्टील के मामले में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का जो प्लान है उसके तहत ये अब इंपोर्ट्स जो है एक तरीके से हमारा
कब होगा इंपोर्ट स्टील का, राइट। यही हमारा प्लान भी है मेक इन इंडिया के तहत कि हम खुद ये सारी चीज़ें बनाएं और इंपोर्ट जितना हो सके उतना कम करें, ठीक है। तो अगली न्यूज़ देखिए, सेंटर टू ब्लास्टर एनसीएलटी विथ मोर बेंचेस। तो एनसीएलटी क्या होता है, देखिए एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत ये एनसीएलटी बनाया गया, और ये एनसीएलटी सॉरी बनाया नहीं गया, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो होता है तो उसके मामलों को एनसीएलटी देखता है, राइट। तो कंपनी का अगर मामला होता है तो एनसीएलटी देखता है, और नहीं तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी देखता है अगर इंडिविजुअल मसला होता है तो, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल दोनों में डिफरेंस है। एनसीएलटी जो है ये कंपनी के लिए, और डीआरटी जो है वो इंडिविजुअल के लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत ये दोनों काम करते हैं, राइट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के जो भी मसले होते हैं मतलब वो ये दोनों देखते हैं, ठीक है। और देखिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको प्राइवेटाइज करने की डिमांड कर रही है चंदा कोचर, राइट। आईसीआईसीआई की हेड है ये, और कोल इंडिया ने देखिए 24% आउटपुट ग्रोथ दर्ज की है, और इस बार कह रहे हैं कि 32.6 बीटी टन जो है वो शॉर्ट रहा है टारगेट से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़। लास्ट पेज पे देखिए नियंडरथल जो होते हैं उनसे रिलेटेड थी, को ये कह रहे हैं कि देखिए स्टडी में नियंडरथल जो थे उनकी जो नोज पैसेज थी, नाक का जो एरिया था वो कह रहे काफ़ी बड़ा था, तो इससे ये लगता है कि ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा लेते थे, राइट। नियंडरथल नोज टूक इन मोर ऑक्सीजन, नेजल पैसेज वर बिगर, राइट। तो ये स्टडी से इन्होंने पता लगा। इसके अलावा यूएस म्यूजियम में नेपाल से जो आइडल्स जो इंस्टॉलेट किए गए थे जिसमें शिवा और पार्वती से की ये आइडल्स थी, राइट, 1980s में ये चोरी हो गई थी, तो वो नेपाल को इन्होंने वापस कर दिए, राइट। तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।